सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला द्वारा यातायात माह के तहत शहर के अंदर लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि आम जनमानस सुरक्षित यात्रा तय करने के लिए वाहनों को सावधानी पूर्वक और नियम अनुसार चलाएं। बाइक चलाने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। तेज वाहन न चलाएं। चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय नशीले पदार्थों का सेवन न करें। उन्होंने बताया कि यातायात माह में कम उम्र के वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। स्कूल में यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया जा रहा है। यातायात माह के तहत वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चालकों के गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, उसकी दूरी पर रहें जो बीमार लग रहे हैं। नंबर 3, अपने नाक मुंह और आंखों को छूने से बचें। हर 20 मिनट में साबुन से अपने हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नंबर 6, भीड़भाड़ वाली जगहों पर निकलने से बचें। नंबर 10, अधपका खाना या कच्चे खाद्य पदार्थ की जगह अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। अभियान के तहत हमने सारे बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू कर रखी है। आवाज खास करके चूँकि मूर्ति विसर्जन चल रहा है तो हाईवे पर हम देख रहे हैं किसी तरह की कोई जाम की स्थिति ना हो। कल से रूट का डाइवर्जन लगातार चल रहा है, आज भी रोड पे ट्रैफिक का लोड है तो हमारा काफ़ी स्टाफ हाईवे को देख रहा है और सुनिश्चित कर रहा है कि किसी तरह से जो हमारे यहाँ पब्लिक आ रही है वाहनों से उनको दिक्कत ना हो। दूसरे छठ त्यौहार आ रहा है, 20 तारीख को होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को खरीदारी मार्केट में करनी है, लोग कर रहे हैं, साधनों से अपने आ जा रहे हैं, उनको भी किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसको भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। जहां तक ट्रैफिक माह में कार्रवाइयों की बात है, लगातार बिना हेलमेट लगाए जो दो पहिया पर जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हम कर रहे हैं, सीट बेल्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अधिक गति से जो जा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, पार्किंग में जो वाहन नहीं खड़ा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार हम ये कार्रवाई करते जाएंगे। इसी तरह से जागरूकता के कार्यक्रम भी लगातार हम कर रहे हैं, विद्यालयों में चौराहों पर नुक्कड़ नाटक कठपुतली के माध्यम से, इसके अलावा लोगों को पंपलेट बांट करके यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। चौराहों पर भी हम एनएसएससी के छात्रों को और छात्रों को लगा करके जिस तरह से प्रैक्टिकल होता है किस तरह से चौराहा चलाया जाता है, उनकी क्या सहभागिता हो सकती है इसके बारे में हम बताएंगे और पूरे माह हम यातायात माह को इस तरह से चलाएंगे कि आम जनता को यातायात के नियमों की जानकारी हो जाए और यातायात के नियमों के पालन की उनमें आदत पड़ जाए। सर, नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते हुए मिल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई? हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, जो बिना डीएल के हैं, बिना उस अथराइज एज ग्रुप के हैं जहाँ से 18 साल या उसके ऊपर के अगर वाहन चला रहे हैं तो उनमें भी कार्रवाई की जा रही है और डीएल के अभाव में जो कार्रवाई हम करते हैं उस कार्रवाई करते हैं और उनके परिजनों को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने देना चाहिए।